फ्रेंड्स, मैं जाने वाला था पुणे। पहले पुणे, उसके बाद मुंबई, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद शिमला, मनाली होते हुए हैदराबाद। ये मेरा प्लान था, ये मेरा टूर का प्लान बना हुआ था। चुका हूँ पुणे और मेरे दोस्त के पास मैं ठहरा हुआ हूँ। आज यहाँ से मैं निकलूँगा फिर लवासा सिटी के लिए, और ये प्लेस विजिट करने के बाद फिर यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से नहीं, यहाँ से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से फिर शिमला, शिमला से मनाली, मनाली होते हुए फिर हैदराबाद आऊँगा। ठीक है, देखते रहिए आप लोग, मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ अक्षय के रूम पर। ये है अक्षय, फ्रेश होना है अक्षय को भी। अक्षय फटाफट फ्रेश हो जाओ, मुझे भी फ्रेश होना है। यहाँ जल्दी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, जल्दी से निकलेंगे हम लोग, टाइम नहीं है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, हम लोग हो चुके हैं रेडी, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे लवासा। अक्षय भी हो रहे हैं रेडी, अभी होना है अक्षय। चलो अक्षय फटाफट चलो चलो जाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ लवासा सिटी निकलेंगे। फिर आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए मैं दिखाऊंगा आप लोग को लवासा सिटी। देखते रहे, काफ़ी अच्छी सिटी है। और टाइम हो रहा है अभी कुछ, कितना हो रहा है टाइम, 9:30 बज रहा है टाइम। देख सकते हैं हम लोग जाएंगे लवासा, देखते रहिए आप लोग। पालघर डैम के पीछे में है पालघर डैम। पालघर डैम से 16 किलोमीटर पर लवासा है। पालघर डैम से 16 किलोमीटर पर लवासा है। बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर पुणे रेलवे स्टेशन से लवासा 60 किलोमीटर है। आप जैसे पुणे में हर जगह पे प्लेस में है, किसी को 50 पड़ता, 55 पड़ता, और पुणे रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर है। आप रेनी सीजन में आ सकते हैं यहाँ पर, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न। समर में आपको उतना ख़ास नहीं दिखेगा, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा डैम है, पानी भी काफ़ी रहेगा यहाँ पर। Intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Evaporating your bindings. Move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break.
were gone from the start. Now you tear me apart. I gave you my trust, but you treated me like I couldn't see. हूँ अभी रेडी हैदराबाद निकलने के लिए और अक्षय मुझे वाकड़ पर ड्रॉप करेंगे और वहाँ पर आएंगे नसीर भाई। नसीर भाई मेरे पुराने क्लासमेट हैं जिनके साथ मैं हैदराबाद निकलने के लिए रेडी हुआ हूँ। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। हैदराबाद भी जाते समय में काफ़ी अच्छे से नसीर भाई पहुँच चुके हैं हम लोग के साथ। अभी ये है नसीर भाई अंदर कार में, वाकड़ पर आ गए नसीर भाई और मेरे साथ में अक्षय हैं। यहाँ पर मराठी में भाई को बोलते हैं भाऊ और अक्षय भाई मेरे साथ में है। कुछ बोलेंगे अक्षय? ठीक है सर, मेरे भाई का चैनल है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और हम हमारे भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलो आ जाइए आप ही लोग। आऊँगा बनाएंगे फिर वीडियो। हम लोग निकल चुके हैं हैदराबाद के लिए, यहाँ पर नाश्ते के लिए रुके थे हम लोग। महाराष्ट्र में नाश्ता मिलता सिर्फ पोहा और वड़ा पाव। पोहा यहाँ क्या फेमस है, ये लोग जो पोहा खाते हैं ये फेमस है महाराष्ट्र में, वड़ा पाव खाते। और मैं नसीर भाई के साथ हूँ जो कि मेरे पुराने क्लासमेट हैं और दोस्त भी है। ये पीछे में है नसीर भाई, इनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, बहुत ख़राब हो चुकी है तबीयत। और अन्ना है एकदम फास्ट गाड़ी चलाते। मेरे एंटी अन्ना सुरेश हैदराबाद है, अन्ना दी मना दी हैदराबाद अन्ना का है। हैदराबाद में कौन सा बोले ना, कौन सा एरिया? मोइनाबाद। तो आप देखते रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा। अच्छा है और ये अलार्म इसलिए बजा रहा, पर सेफ्टी नहीं मेंटेन करे, मेंटेन करना पड़ता, बेल्ट लगाना पड़ता। अपन ऐसा लगाना भाई, ऐसे भाई लग गया। सेफ्टी, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, सेफ्टी यूज करना अपन जरूरी है ना। पूना का एक खास बात ये है कि पूना का वेदर बहुत अच्छा है। यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा और काफ़ी कूल रहता है पूना का वेदर। और खाने के लिए कुछ खास उतना नहीं है जितना हम सोचे थे, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचने वाले हैं जहीराबाद जो कि 70 किलोमीटर दूर पे है और मेरे साथ में सुरेश भाई जिनकी कार है। और तो सुरेश अन्ना हैदराबाद में रहते हैं। आपको हैदराबाद से जहाँ पर भी जाना है जैसे मुंबई, दिल्ली, गुजरात, आगरा, लखनऊ और बेंगलोर, जहाँ पर भी आपको जाना है सुरेश अन्ना को कांटेक्ट कर सकते हैं आप। सुरेश अन्ना का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इनका बिहेवियर कस्टमर से बात करने काफ़ी अच्छा है और अगर आप मेरे थ्रू जाएंगे तो कुछ रेट में निगोशियबल भी हो सकता है आपको। हाँ, निगोशियबल भी कर देते सुरेश अन्ना, लेकिन बात करने का बिहेवियर अच्छा है कस्टमर से। सुरेश भाई कुछ बोलेंगे आप? नहीं बोलो ना, नहीं। नंबर बोल दो एक बार आपका। चलो
9666 जरा दस मार्क्स निकाले तो सुने आता शायद 9666 161 ओके 454 चलो यही नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये नंबर, आप कॉल कर सकते हैं इनके नंबर पर।